तो तीन आदमी खाने के लिए हम लोग बनाएंगे भिंडी का भुजिया, और रोटी ऑलरेडी पहले से ही बना के रख लिए नहीं थोड़ा कम पड़ जाएगा कि हो जाएगा तीन लोगों का क्या दही है फ्रिज में दोस्तों, भिंडी का भुजिया बनाएंगे और रोटी बहुत सारा बन गया है रात को, क्या करेंगे उसी को खाएंगे आज। सेवैया बना लेंगे, सेवैया तो इतना है कि दो तीन हफ्ता चलेगा। हाँ दूध लेके आना पड़ेगा, तो भाई सेवई बनाने में तो आपको पता ही है 5 मिनट लगता है, सब कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह सब आया है, इतना सारा सेवई इकट्ठा हो गया ना मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा, क्योंकि बीते दिन ईद गया, अब ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा मुझे नहीं, क्योंकि सीरीज से जाएगी हैं, जो भी सीरीज से जाएगा वीडियो उसको देखिएगा आप लोग, ये मत बोलिएगा कि ये पुराना वीडियो है नया वीडियो नहीं डाल रही हो। अरे दोस्तों हम क्या करें, अकेले हैं और क्या करें, कैसे डालें वीडियो बताइए, जब गांव में थे तो कैसे वीडियो चला जाएगा सारा, अब जितना दिन गांव में थे उतना दिन का वीडियो पेंडिंग पड़ा है, तो पहले वही जाएगा ना फिर ये जाएगा, तो मैं क्या बताऊं। तो बीते दिन ईद गया, ईद मुबारक तो मैं बोली नहीं दोस्तों आप लोगों को, लेकिन मैं गाँव में थी तो कैसे बोलूँ, नहीं अगर पास में होती ना बच्चों के पास में तो बोलती जरूर। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों, कितना चाव से देखते हैं देश विदेश से, कि जितने भी हमारे दोस्त हैं जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं सब सही से रहे, कबाड़ी वाले आए हैं, कबाड़ा तो घर में बहुत सारा हुआ है पर निकालूंगी नहीं घर खाली हो जाएगा तो फिर खरीदना पड़ेगा अभी लाला जी को भी कुछ काम नहीं है इधर गाँव में रहते तो कहाँ कहाँ घूम आते ना जी, ये भी बोल रहे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बोले क्या करिएगा आराम कीजिए 10 दिन, एक दिन भी आराम से नहीं बैठ सकते क्या, तो इनको मैं अब आराम से बैठाऊंगी कि आराम से बैठिए, और मैं भी खुद आराम से रहूंगी, आज तो मेरे को मार्केट ले जाने वाले हैं ठीक है, अब पता नहीं कौन नहीं जाएगी मार्केट मजा जान जान चक लेते हैं मेरे सच्चाने का नाम नहीं लेते कि तो क्या करना है, पसंद कीजिएगा मेरे साथ ना, मेरे को पसंद नहीं आता हंसी मत जाना पड़ेगा, वो बोली पापा के साथ जाइएगा मम्मी, नहीं मैं बोल रहा हूँ नंदी के साथ जाना, नहीं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं समझ में, वो अपना कपड़ा लेने जाएगी मैं अपना लेने जाऊंगी, हाँ तो मैं क्या लूंगी दोस्तों दिखाऊंगी आप लोगों को, फिलहाल ये जो मैक्सी पहनी हूँ काफी दिन पुराना है, अंजलि छपरा से खरीदी थी हैं, और कॉटन है बहुत आराम मिल रहा है इसमें, गर्मी के दिन तो आ ही गया है पर बहुत आराम मिल रहा है, मैं चुन्नी देखिए कहाँ पे अपना लगा दी हूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरा, और जैसा हाँ बहुत से दोस्त बोल रहे थे जैसी रहती है अनिता जी वैसे दिखाई, तो क्या करूँ दोस्तों, कितना जैसा शक्ल है वैसी दिखेगा, कितना कैमरा के सामने बनूंगी ना, बहुत से दोस्त बहुत खुश हो रहे थे कि यही तो खासियत है, तो दोस्तों ब्लॉगिंग करना आसान चीज नहीं है, अब मेरे को जो अच्छा लगता है वही दिखाती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता नहीं दिखाती, ये देखो आ जाओ जल्दी कुछ आया है गली में उसका जी मैंने बताया, अच्छा तो इन आवाज सुना रही हूँ, ललित लकी को बहुत मतलब छोटे थे तो बड़ा डरते थे भागते थे घर में, आएंगे हमारी गली छोटी है ना नहीं आएंगे, जगह कम है ना हमारी गली में लेकिन लोग ज्यादा है हमारे घर तो चटनी मारते हैं पीठ पे, देख देख सुनाई दी आवाज है, देख भाई कितनी तेज, पेट के लिए सब पेटे पापी है, दिया दाल चढ़ाई नहीं थी तो कढ़ाई का ऐसा हल कर दिए है, एक दिन ऐसे हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है हर बार, ऐसे ही रहता है इसको मेहनत करना पड़ता है, मेरे को समझ आता है दूसरे घर की कढ़ाई का हाल ऐसा क्यों होता है, उनके मम्मी नहीं होते समझ में गया क्यों हो जाता है, यस मैडम चॉकलेट कौन खा रहा है रात रात में, आप खाई पापा कहाँ गए, हाँ पर क्या भेज दिए पापा, क्या दे दिए, चलो ठीक है कोई नहीं, मेरा बिना देखे कबाड़ा दे दीजिएगा तो समझ जाइए, घर का सारा सामान दे दे कबाड़ी वाले को, मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर वहाँ पर कितना चीज फेंक दिए हैं, कोई नहीं सही करते हैं वो फेंक देते तभी होता है, नहीं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्ले से बनाए थे गणेश जी, दिख रहे हैं ये भी लकी के एक दोस्त बनाए, हाँ ये लकी के एक फ्रेंड ने बनाया था,
और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैग्नेट्स है, जहाँ जहाँ जाता है लकी वहाँ से ले आता है। हाँ सब कोई ले आते हैं, बट और जगह बहुत जगह गए लेकिन लेके नहीं आए, भूल जाते हैं। चलिए कहीं जाएंगे तब लेके आएंगे, फ्रिज भर जाएगा तब हमारा शायद घूमना पूरा होगा। हाँ फिर आप नया फ्रिज ले लोगी, दो मतलब बड़ा वाला जो फ्रिज होता है ना यहाँ से यहाँ तक, वो भरेगा तब घूमना पूरा होगा। जीरा ले लो मम्मी, कितने लोग आ रहे हैं आज गली में, बाल बेच लो, बाल बेच दे मेरा बाल, तो जीरा मिलेगा केले वाले पे। ये तो मेरा चदर है। हाँ सेम ही हमारे पास, चदरवा तो मेरा है। देख रहे तार भी जोड़ने का नहीं है, इस दो को ऐसे मिला के जोड़ दिए। हमारे घर के सामने एक यही है जो है हरियाली। हाँ क्योंकि अगर इस घर में कोई नहीं रहता है इसमें, तो अगर रहते तो ये कट जाता ना, बट बहुत खिल गया था पता है जिस दिन मैं आई थी। चिड़िया ये पता है चिड़िया ना इस पे रहती थी गौरैया, ये कना पैर टूटा था, यहाँ पे आके खाना खाती थी रोज, उसका पैर नहीं था, पता नहीं किस कारण, किसी कारण हुआ होगा हादसा कुछ, तो उसका पैर नहीं था, लेकिन रोज आती थी वो भी, मतलब 10 गौरैया थी, दो दसों नहीं दिख रही है। ये वाला नया घर बना है और ये हमारी स्कूटी है नीचे, और आज पहले तो गली, अब पहले से तो अच्छी हो गई हमारी गली, बिच गया ना। हाँ टाइल्स लग गई ना तो सही लग रहा है, ब्रिक्स कहते हैं आई थिंक। चलो काम करते हैं। सपना अपने गली बनाई है तो भाई आ गए हमारे गली में भी। लाला जी को बोलती हूँ 10-20 रुपए दे देंगे। करिएगा दोस्तों, पेट के लिए ही सब करते हैं। वैसे तो क्या बोले, मेरे ख्याल से देना नहीं चाहिए, मतलब इंसान को जैसे थोड़ा थोड़ा दे के ना इंसान फिर वो काम नहीं करता है, लेकिन जिसका जो रोजगार है वो करना चाहिए। अब देखिए कितना छोटा बेबी लिए है उनकी वाइफ, और वो बच्चा को कितना शोर लगता होगा, ढोलक का शोर, इतना यहाँ पे पेट पे बांधी है ढोलक बजा रही है, और जो जेंट्स है वो चट चट मार रहे हैं अपने आप को, तो मतलब बुरा लगता है देख के भी, क्या करिएगा यही दुनिया है। तो इनके पास तो भाई ना रहने का घर है ना खाने के लिए वो कुछ सुविधा नहीं है, तो मांग के बेचारे अपना गुजारा बसर करते हैं, लेकिन वो भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है सही राह सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलता है, तब तक किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। हाँ तो गरीब लोग तो ये हैं भाई, जिनके पास ना घर है ना छत है ना खाने का कुछ है। हाँ और हमको कोई गरीब बोलेगा जिसके पास सब कुछ है, चाहे कोई मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको गरीब आप बोलिएगा तो ये तो बेकार नाइंसाफ़ी है इन गरीबों के साथ। हाँ तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको भी दिख रहा है कोई ऐसा जो रोड पे मांग रहा है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं गाँव में भी लोग बोलते हैं कि भिखारी दुखारी को वापस नहीं जाना देना चाहिए, हैं किस रूप में आए हैं कोई पता नहीं है, लेकिन देखिए पेट के लिए तो छोटा सा, मेरे ख्याल से 4-5 मंथ का भी नहीं हो बच्चा, हाँ जी उसको पेट पे बांधिए, उसके कान में कितना शोर जाता होगा, हम लोगों को इतना शोर आ रहा है, सोचिए कितना संघर्ष कर रही है उसकी माँ, वो भी तो इंसान है ना, इसी धरती पर जन्म लिए ना, दोनों मियाँ बीवी संघर्ष कर रहे हैं, तो भाई बहुत एक से एक लोग हैं मेहनत करने वाले, मेहनत का फल नहीं मिलता, देख के बुरा लगता है। हमारे जब बच्चे जब छोटे थे ना ये लोग तीनों, तो मतलब आए दिन आए रहते थे गली में आए दिन, क्योंकि क्या रोजी रोटी है इनका, क्या करेंगे, वही नहीं मांगेंगे तो कहाँ से खाएंगे, तो ये डर जाते थे, भाग जाते थे घर में, बोलते थे मम्मी चट चट वाला आ गया है, भागते थे एकदम दूर से, कहीं भी देख लेंगे ना इन लोगों को तो डर जाते थे, डर के भागते थे। हाँ हाँ फेस पे बहुत कुछ लगा लेते हैं और थोड़ा डरावना टाइप के बन जाते हैं, फिर उनका कोई पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आप लोग इनके बारे में कोई जानकारी है तो बताइएगा,
हमको नहीं पता है, लेकिन भाई मेरे को तो लगता है सब पेट के लिए कर रहे हैं। कौन सा वो बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उनका पेट भर जाए वही काफ़ी है। दो मियाँ बीवी एक बच्चा है, पल जाए, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना वो भी। तो अभी मेरा भुजिया बन रहा है दोस्तों, जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। दाल बन रहा है, रोटी तो है ले है, खा लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनीता जी की दुनिया में। देखिए लैपटॉप में बजा तो हम गुड मॉर्निंग बोल दिए। दोस्तों अच्छा लगता है आप लोगों का कि अनीता जी आप नहीं दिखती हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें दोस्तों, 24 घंटा तो मैं ही नहीं दिखूंगी ना, थोड़ा सा आलस आता है, शरीर ना है, लेकिन पापी पेट का सवाल है। नहीं देखिए हमारे पास भी तो कोई और हुनर नहीं है, यही हुनर है खाना बनाना है खाना। आजकल तो मेरा वो भी मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है खाली, लकी से मैं बोली थी गांव में, खाली मन कर रहा था कि खाली बनावल खाना मिली खाती या सुतती, तो ये बोल रहा लकी कि वीडियो बना के मन ना करेला, हम ना वीडियो बना के मन ना करेला। तो क्या मन करेला, हमें खाली सूते के खाए गए। उसको भी पिल्लू का बच्चा का हाल कर दो उसका भी। तो पिल्लू का जैसा हाल हो ही जाएगा। अब मेरे पास क्या नहीं है दिखाऊंगा, वो देखा। देखिए दोस्तों ये पिल्लू के पिल्लू है, और पिल्लू की नानी, पिल्लू की नानी है, पिल्लू का अगल बगल के दोस्त। देखिए जो चीज नहीं है यहाँ प्रकृति का वो रखी हूँ, हिरन है, कुत्ता है, सब है, और क्या कहते बहुत कुछ है ना जी। तो अभी मेरा वीडियो नहीं बनाने देगी, बोल रही मेरे को डिस्टर्ब कर रही हूँ, अहम का गिरल बढ़ी रहे, तो चिली जैसे सामान देख रही हूँ उधर का रख के, ये लोग का गिरा दिए है, का मेरा तोड़ दिए है, कढ़ाई कल साफ की हूँ वो तो है ही। चलो कल की परसों की थी, याद भी नहीं है। चलो ठीक है, जो कर काम जो, खाली खाएंगे सुतेंगे, सुतो तक बोरिंग है सोना भी ना, तो वो बोरिंग है ही, कोई भी चीज हम नहीं सो सकते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर सकते हो, सोने का सो जाओ, सोने का प्रैक्टिस कर सकती हूँ। पापा देख रहे कैसे बोर हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या करे बेकार है ये सब, उधर खेत है ये है वो है। हाँ जब ये ढाबा चलाते थे तो बोर नहीं होते थे, अपना चले गए सुबह ही, सुबह ही चले गए 6 बजे। हाँ सुबह ही 6 बजे, 5 बजे चले जाते थे मंडी से सामान लेके फिर जाते थे। अब इनको घर में रहना पड़ रहा है ना, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं बोल रही हूँ कि उम्र भी तो हो गया, बुढ़ापा आ गया, आराम से रहो ना। अभी ट्रेन में एक लोग बोला इनको कि रिटायरमेंट का समय आ गया है, आपका भी हमारा भी, हमको बहुत बुरा लगा कि हम लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे। नहीं रिटायर वाला क्या है, घूमने फिरने का समय आ गया है। नहीं उनका सरकारी जॉब था, टीचर थे, तो मैं बात कर रही थी उनसे, मतलब देखिए टीचरों को बहुत कुछ नॉलेज होता है ना ट्रेन में, तो मैं बोली कि पता नहीं मेरे घर तो लगा ही नहीं लालाजी का नौकरी, पढ़ने में तो ये भी ठीक थे, तो वो ही बोल रहे थे कि अब क्या नौकरी लगेगा, तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया आप लोगों का, हमारा 30 साल हो गया उनका नौकरी का, वही बता रहे थे। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ सही बोल रहे हैं भाई, तो इनका पक गया है, मूछ भी पक गया है ना जी, वो कुछ देख रहे हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है क्या, इसका गिफ्ट मैं खरीदी थी कब, कोई कभी कुछ दी होंगे हमको याद ही नहीं है, ठीक है आराम को, इसका गिफ्ट ये है, अब इसको काला कर दूंगी मैं छू छू के, कोई नहीं धुल लूंगी इसको। कितना ताना सुनने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है उसमें मैं जाओ आराम करो। तो यहाँ पे आज का खाना तैयार हो गया है, रोटी सब्जी दाल दही ना बाबा, दही और सलाद खाएंगे हम लोग, आप लोग भी समय पे खा लीजिएगा दोस्तों, खाना ना खा लिए दोस्तों। ये देखिए एक बार तकिया भरवा लाए थे तो मोटा मोटा करवा दिए थे, अब इसमें से हम लोग निकालेंगे, निकाल के कम करेंगे,
अब उतना से निकल जाइए, रह दी उतना आराम से निकाल दी। हाँ थोड़ा यहाँ किनारे से ही थोड़ा सा निकाल, उधर से निकालेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऊंचा हो जा रहा, सोने में मजा नहीं आ रहा, सरक जाइए। हाँ एक किनारे से ही निकालें तब जाकर हो, तो निकाल लेते हैं, इसको सील लूँगी अपना। हाँ तो देख रहे हैं मैं सील रही हूँ, इतना सारा रुई निकाल दिए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा था, लाला जी निकाल रहे हैं।